नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। दिन दहाड़े एक युवक को मारी गोली, पीएससी रामनगर के डॉक्टर ने किया जिला अस्पताल बेतिया रेफर। घायल युवक की पहचान रामनगर तुरहा टोली के भोला कुमार उम्र 35 वर्ष पिता लाभ बाबू शाह के रूप में की गई। जांच में जुटी रामनगर पुलिस, मौके पर पहुंचे रामनगर थाना अध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा, एसआई मनोज श्रीवास्तव, एएसआई रविशंकर कुमार, संतोष जायसवाल, विनोद सिंह और अन्य लोग। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। अजीत जी को 5,25,000 रुपए दिए हैं, वो हमको बेलौरा और ले जाकर एकांत में एक गोली मार दिए। हम वहाँ से भाग रहे थे, दूसरा गोली भी मार रहा था, हम दौड़ कर भाग गए। लोग हमको मोटरसाइकिल से पहुँचाए एक आदमी, हमारा 5,00,000 रुपये लिया है, 5,25,000 रुपये। घटना पूछला अजीत नाम के कोई बच्चा ले गया था, इसको कोला वाला के गोली मार दिया है, 5,25,000 कर्जा ले लिया है। क्या नाम है इसका? इसका भोला का नाम है। आपका कौन लगता है? बेटा। आपका नाम? हमारा लाल बाबू का। कब कितने बजे गोली लगा है? कब गोली चला? नहीं पता था, जो अभी दम का आया था। कहाँ पे, किस स्थान पे? बलोरो बेलौरा। घर कहाँ आपका? ठीक। एक मेरे पीएससी रामनगर में एक सस्पेक्टेड केस ऑफ बुलेट इंजरी का केस आया था। उसके मरीज का नाम था भोला शाह, 35 वर्ष उम्र है और वो मेल था। उनके पिताजी का नाम लाल बाबू शाह है, पूरा टोली रामनगर के रहने वाला निवासी है। उसका मैंने प्राथमिक उपचार करके उसे जीएमसी बेतिया मैंने रेफर कर दिया है। क्या पोजीशन ठीक है? बचने का संभावना? हाँ, बचने की संभावना। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।